में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही ज्यादा टेस्टी खस्ता और क्रिस्पी तिल गुड़ की चिक्की बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिक्की बनाने के लिए ये हमने एक कप तिल लिए है, अगर हम ग्राम में नापे तो ये 150 ग्राम है। एक कप गुड़ अगर हम ग्राम में नापे तो ये 250 ग्राम है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तिलों को भुनेंगे, इसके लिए हमने गैस पे पैन रख दिया है। अब हम तिल को इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम तिलों को लगातार चलाते हुए स्लो मीडियम फ्लेम पे हल्के गोल्डन कलर का भून लेते हैं। हमें तिलों को लगातार चलाते हुए भूनना है जिससे कि तिल जले ना। अगर ये तिल जल जाते हैं तो इनका टेस्ट कड़वा हो जाता है। अब ये तिल भुन गए हैं और हल्के गोल्डन कलर के भी हो गए हैं। इनको भूनने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगा है। तिल भूनने की पहचान ये है कि तिलों के अंदर से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाती है और तिल साइज में थोड़े से बड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए हमें इस टाइप के भुने हुए तिल चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम तिलों को प्लेट में निकाल लेते हैं। जब तक तिल ठंडे हो रहे हैं हम चिक्की के लिए चाशनी बना लेते हैं। हम इसी पैन में चाशनी बनाएंगे। अब हम पैन में 1 टीस्पून देसी घी डाल देते हैं। घी को मेल्ट होने देते हैं। घी डालने से क्या होगा कि गुड़ एक तो तली में चिपकेगा नहीं और चिक्की टेस्टी बनके तैयार होगी। अब हम गुड़ को भी डाल देते हैं। गुड़ की चाशनी हम जब भी बनाएं गुड़ तोड़कर ही इस्तेमाल करें जिससे चाशनी बनाने में आसानी रहती है। अब हम स्लो फ्लेम पे गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। हमें गुड़ को स्लो फ्लेम पे ही मेल्ट करना है जिससे कि गुड़ जले ना। ये चिक्की खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से चिक्की बनाना बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से चिक्की बनाएंगे तो आपकी चिक्की पहली बार में ही बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगी। आप देख पा रहे हैं गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। हमें गुड़ को इसी तरीके से लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पे मेल्ट करना है। अब ये गुड़ भी मेल्ट हो गया है और चाशनी के अंदर से झाग बनना शुरू हो गई है और चाशनी का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमने बाउल में पानी लिया है। अब थोड़ी सी चाशनी को इसके अंदर डाल देते हैं। फ्लेम को हमने स्लो ही रखा है। अब चाशनी को हल्का सा ठंडा होने देते हैं और चाशनी को लगातार चलाते रहेंगे। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। देखिए चाशनी को हम तोड़ रहे हैं तो ये खिंच रही है, इसका मतलब ये चाशनी बनके तैयार नहीं हुई है। अब हम चाशनी को 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं। 1 मिनट करीब हो गया है। अब हम चाशनी को दोबारा चेक कर लेते हैं। चाशनी को ठंडा होने देते हैं। अब ये चाशनी ठंडी हो गई है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हम तोड़ रहे हैं तो ये इजिली टूट रही है। बस हमें इसी टाइप की चाशनी चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब जो हमने तिल भुने थे वो डाल देते हैं। तिलों को चाशनी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तिल चाशनी में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब ये मिश्रण बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे जमाएंगे। हम इस चिक्की को इस बोर्ड पर जमाएंगे। इस पर हम हल्का सा ऑयल लगा देते हैं जिससे चिक्की आसानी से उतर जाएगी। हमें ये काम बहुत जल्दी में करना है। आप चाहें तो पहले भी बोर्ड में ऑयल लगा करके रख सकते हैं। ये हमने बोर्ड पर ऑयल लगा दिया है। अब हम चिक्की के मिश्रण को इस बोर्ड पर डाल देते हैं। और इसको इस तरीके से फैला देते हैं। चिक्की का साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको चिक्की को कितना मोटा या पतला रखना है उस हिसाब से आप फैला लें। हम चिक्की को पतला फैलाएंगे। इसके लिए हमने ये बेलन लिया है। बेलन में हल्का सा ऑयल लगा देते हैं जिससे कि चिक्की बेलन में चिपकेगी नहीं। अब हम इस तरीके से चिक्की को फैला देते हैं। ये काम सभी जल्दी जल्दी करना है क्योंकि चिक्की बहुत जल्दी जम जाती है। ये हमने चिक्की को एक साथ फैला दिया है। अब हम चिक्की को हल्का ठंडा होने देते हैं। जी हल्की ठंडी हो जाएगी। इसके बाद हम इस पे कट के निशान लगाएंगे। अब ये चिक्की हल्की ठंडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर कट के निशान लगा देते हैं। इसके लिए ये हमने पिज्जा कटर लिया है। अब हम इसे काट लेते हैं। साइज आप अपने हिसाब से काट लें कि आपको कितने बड़े साइज रखने उस हिसाब से आप चिक्की को काट लें।
आप चाहे तो पिज्जा कटर की जगह नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इस तरीके से चिक्की को काटना है। अब हम दूसरी तरफ से भी काट लेते हैं। ये हमने चिक्की को काट लिया है, अब हम चिक्की को ठंडा होने देते हैं। अब ये चिक्की ठंडी हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, देखिए कितनी बढ़िया चिक्की बनके तैयार हुई है। अब मैं चिक्की को इस प्लेट में रख के भी दिखा देती हूँ, देखिए कितनी बढ़िया चिक्की बनी है, बिल्कुल लग रही है ना बाजार जैसी। सभी चिक्कियों को इस प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमने सभी चिक्कियों को निकाल लिया है, आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया चिक्की बनके तैयार हुई है। मैंने आपको जिस तरीके से चिक्की बनाना बताया, अगर आप उस तरीके से चिक्की बनाएंगे तो आपकी चिक्की भी बिल्कुल ऐसे ही बनके तैयार होंगी। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, देखिए चिक्की कितनी बढ़िया लग रही है, बिल्कुल लग रही है ना मार्केट जैसी। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, देखिए बनी है ना कितनी बढ़िया। अभी इनको बनाइए खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपकी चिक्की कैसी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और आप मुझे ये कमेंट्स करके ये भी बताइए कि आप इन चिक्कियों को कब बना रहे हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।